आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर इन थ्री फेज सप्लाई, यानी थ्री फेज सप्लाई के साथ हमें शक्ति गुणक यानी कोस पाई निकालना। तो कोस पाई किस प्रकार से निकाला जाएगा उस चीज को हम यह करेंगे। जैसे ही मैंने इस सप्लाई को ऑन किया, ऑन करते ही इसमें थ्री फेज की सप्लाई गई, एसी थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जाते ही एम्पीयर मीटर फेज करंट नापेगा, वोल्ट मीटर फेज वोल्टेज नापेगा, वाट मीटर इस परिपथ की टोटल जो शक्ति है उस चीज को नापेगा, और जो पावर फैक्टर मीटर है वो इसका शक्ति गुणक नापेगा। और ये क्या है, एक रेजिस्टिव लोड है। मैंने टोटल 6 लैंप लिए जिसमें दो दो लैंपों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ के स्टार संयोजन किया। जैसे ही लैंप 1 लैंप 2 समांतर क्रम में ये एक लाइन के साथ मैंने जोड़ दिया, उसी प्रकार से लैंप 3 लैंप 4 एक सप्लाई यानी दूसरे पेज के साथ जोड़ दिया। तीसरी कंडीशन के अंदर दो लैंपों को फिर मैंने समांतर क्रम में जोड़ के एक तीसरी लाइन के साथ जोड़ दिया। जो स्टार संयोजन हुआ था उसे मैंने एक स्टार बीच का जो पॉइंट था उसे मैंने स्टार कनेक्ट करके और न्यूट्रल बना लिया। इसके द्वारा हम थ्री फेज की शक्ति भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे पावर बराबर अंडर रूट तीन लाइन वोल्टेज लाइन करंट इनटू कोस पाई होता है। उसी प्रकार से यदि रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर संतुलित है तो टोटल पावर बराबर 3 × 1 वाट मीटर की रीडिंग निकालो। उसी प्रकार से यदि पावर फैक्टर निकालना है, रेजिस्टिव लोड है, संतुलित भार है, तो पावर फैक्टर बराबर 1 वाट मीटर की रीडिंग इनटू 3 से मल्टीप्लाई करके उसे डिवाइडेशन करना है 3 × फेज वोल्टेज इनटू फेज करंट से।